रोलिंग योर स्लीव्स, हाउ यू बिहेव विद एनिमल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका गेम यहाँ से यहाँ ले जा सकता है अगर आप द फॉर्मूला 8 के सब्सक्राइबर है। आपका स्टाइलिंग अच्छा होना चाहिए, अगर आप नहीं है तो आई हाउ आर यू से स्टार्ट करना। ऐसे नहीं कि ब्यूटीफुल क्वेश्चन मार्क, फ्रेंडशिप क्वेश्चन मार्क एंड एन पी खड़े होके, नहीं। Hey guys, welcome back to my channel. This is Karan H. Dhingra, your own The Formal Edit. आज हम बात करने जा रहे हैं वो 11 attractive sexy habits के बारे में जो आप usually करते हैं but आपको पता नहीं वो कितनी sexy लगती है लड़कियों को। So I'm going to tell you in this video क्या habits है so you can do it way way better. क्या वो इसमें invest करना है? No. क्या वो इसमें invest करना है? No. वो ऐसी habits है, छोटी छोटी चीजें जो उनको बहुत बहुत matter करती है उनके लिए। So वो क्या habits है, आइए बात। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। पेरेंट्स साथ जैसा रिलेशनशिप है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दे कैन कनेक्ट कि आप कितने फैमिली में हैं, सो दे कैन समथिंग रिलेट विद फ्यूचर। एंड क्या, हाउ यू बिहेव विद एनिमल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू बिहेव विद पीपल ऑन स्ट्रीट, जैसे कि बेगर हो गए, लेबर क्लास हो गए, उससे आपके सेंसिटिव नेचर का पता लगता है। एंड इफ यू विल बी गुड टू एनिमल्स, आपने बहुत बार देखा होगा लड़कियां लव एनिमल्स, दे आर लाइक ऑ। अगर वो आप उनको प्यार करेंगे यू विल ऑल्सो बी लाइक ऑ टू देम। आपको पता है अगला है हाइजीन। हाइजीन लड़की को बहुत बेटर होता है लड़कों से, इसमें कोई डिबेट करने वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अगर लड़का हाइजीनिक हो दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। इसके भी दो लेवल है। बेसिक हाइजीन है जैसे कि आपके शोल्डर पे डैंड्रफ ना हो, हेयर केयर अच्छे से करें, बैड ब्रेथ मुंह से बदबू ना आए, आपकी जो स्मेल है पैरों से ना आए, आर्मपिट से, इन चीज़ों को मेंटेन करके रखें, ये बेसिक है। लेकिन जो एक एडवांस लेवल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बाथरूम हाइजीन या एटिकेट्स भी कहते हैं, उसमें क्या है, अगर आप किसी लड़की को क्लब में मिले या कहीं पर भी ऐसी जगह कॉमन प्लेस पे फ्रेंड पार्टी में मिले या अगर आप किसी को डेट भी करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो हैबिट नोटिस करती है पहला क्या, जब आप अब फ्लश करते हैं यू हैव टू क्लोज द लिड, बहुत बेसिक चीज है, नहीं तो वो जो जर्म्स है वो बाहर निकलते हैं। और क्या, यू डोंट हैव टू स्टैंड एंड पी खड़े होके, नहीं। अगर आप करते भी हैं तो यू हैव टू क्लीन द लिड, लिड के आसपास कुछ भी ना हो। और जब भी आप हाथ धोएं तो हाथ धो के ड्राई करके बाहर जाएं, और जो वॉश बेसिन है ना वो गीला नहीं रहना चाहिए। एंड लास्ट, एग्जॉस्ट फैन हमेशा ऑन करके जाएं। अगला पॉजिटिव गाय, आप लड़की को हमेशा ऐसा लड़का चाहिए जब कभी वो डाउट में हो, परेशानी में हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम में हो, एग्जाम इंटरव्यू किसी चीज़ की टेंशन हो, उसको हमेशा अपलिफ्ट करे, दिलासा दे या पॉजिटिव रखे, उसको स्ट्रेंथ दे, ना कि वो पूरे टाइम परेशान या खुद ही रोता रहे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, किसी लड़की के घर वाले स्ट्रिक्ट है, उनको आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया या आप दोनों बात करते पता लग गया, एक पॉजिटिव लड़का कैसे समझाएगा, यार हमारे पेरेंट्स ही तो हैं, मान जाएंगे, हम बच्चे हैं, रिलैक्स, ठीक हो जाएगा। अब नेगेटिव बंदा क्या बोलेगा, अरे यार मुझे नहीं पता क्या आने वाला है, तेरा भाई तो वैसे ही गुंडा है, हमें दोनों को जूतों से मारेगा। सो वॉच दिस, पॉजिटिव की तरफ जाए। बेस्ट हैबिट ऑन द लिस्ट इज हार्ड वर्किंग या गोल ओरिएंटेड। मतलब क्या, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और आप स्पेस देते हैं जब आप मेहनत करते हैं, उससे क्या होता है, जो आप मेहनत कर रहे हैं जब आप काम कर रहे हैं वो बीच में जो गैप आता है, दे वॉन्ट टू टॉक मोर टू यू बिकॉज यू आर ग्राइंडिंग, यू आर वर्किंग हार्ड, राधर देन पूरे टाइम बी 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 क्या हाल है, या पबजी खेलना, या मतलब पार्टी पूरे टाइम करते रहना। सो बी गोल ओरिएंटेड। तो स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका गेम यहाँ से यहाँ ले जा सकता है अगर आप द फॉर्मूला 8 के सब्सक्राइबर है। आपका स्टाइलिंग अच्छा होना चाहिए, अगर आप नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टाइल के अंदर, पहला आपको इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कपड़े पहने तो ज्यादा टाइट, ज्यादा लाउड, ज्यादा शाइनी को अवॉइड करिए। एसेसरीज कैन चेंज योर गेम, यहाँ से यहाँ पे एसेसरीज के ऊपर पूरी वीडियो यहाँ पे गिवन है। और आफ्टर सर्वे बहुत रिसर्च के बाद पता लगा है ये चीजें लड़कियों को बहुत पसंद है कपड़ों के अंदर, जैसे कि रोलिंग योर स्लीव्स, मतलब अपने स्लीव्स को थोड़ा सा रोल करके रखना, दैट्स वेरी सेक्सी फॉर देम। उसके अलावा व्हाइट शर्ट्स बहुत पसंद होती है, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑल ब्लैक लुक्स एंड कुर्ता बहुत अच्छा लगता है। अगला है ओपन माइंडेड। बहुत एक अट्रैक्टिव चीज़ है अगर आप है तो, बहुत लोग इसमें रिस्ट्रिक्शंस वगैरह प्रॉब्लम करते हैं, तभी मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला क्या है, इसके तीन एलिमेंट्स हैं, स्पेस। अगर आप वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है तो डोंट टेक्स्ट या बार बार कॉल करके पूछे ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली, इफ़ शी इज़ गोइंग एनीवेयर, शी इज़ वेयरिंग एनीथिंग, आप उसको टोकिए मत। क्या, अगर उसके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो आप उस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या, उसके बाद ट्रस्ट होना चाहिए। अगर किसी मेल फ्रेंड या अपने लड़के फ्रेंड से बात करिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट, टॉकिंग ऑनलाइन, तो आप उस पर रिस्ट्रिक्शंस या उसको मना मत करिए, हैव ट्रस्ट, बिकॉज ट्रस्ट अगर आपको नहीं है तो उस रिलेशनशिप का फायदा नहीं है। सो रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, आपके लोग इज्जत करें, जबरदस्ती वाली इज्जत नहीं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, अगर आपको कोई ग्रुप है, आपको कोई कुछ बोलता है, बात मान लेता है, खुद का स्टैंड ही नहीं रखते आप बिल्कुल, आपको बोलता है ये लेके आ, वो चिप्स लेके आ, मेरा पैक बना, हर चीज मान लेते हैं आप। मैं ये कह रहा हूं हेल्पफुल रहिए आप लोगों के लिए, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्पफुल और खुद की जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है उसको खो देना। सो याद रखिए, अगर आपकी खुद ही रिस्पेक्ट करेंगे लोग
तभी आपके साथ कोई पार्टनर होना चाहेगा। न्यू स्किल्स, अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो आपके लिए स्टिल एक गुड न्यूज है, अगर आप कैसे वो हैबिट्स ला सकते हैं, जैसे कि आपको गिटार हो गया, कुकिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, स्केचिंग, एनीथिंग विच इज क्रिएटिव, हमेशा वो स्किल एडिशनल मेहनत के लिए लड़कियों का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। इफ यू आर नॉट गुड देयर तो अपना टाइम मत वेस्ट करिए, एक स्किल डेवलप करिए। अगला, सेंस ऑफ ह्यूमर, किसी को हंसाना स्माइल कराना, वही तो है वो क्वालिटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैटर करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन वही गंदे गंदे एक्सट्रीम मीम्स भेजने लग जाए, वो सब नहीं होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये है, आप कॉमेडी नाइट्स विद कपिल भी मत करने की कोशिश करिए, सबके पास वो स्किल्स भी नहीं होते। माय मेन पॉइंट इज हल्का सा किसी के साथ मजाक करना, ज्यादा एटीट्यूड बोरिंग टॉक्स ना करना, स्माइल कराने की कोशिश भी करेंगे ना, वो एफर्ट्स है, वो रिफ्लेक्ट होते हैं, एंड यही चीजें मैटर करती है। नेक्स्ट हैबिट इज नोटिसिंग, मतलब क्या, किसी को एकदम स्टेयर करके ऐसे शर्मिंदा नहीं करना, नोटिस करना है। बहुत सटल तरीके से समझाता हूँ कैसे। अगर आपको कोई पसंद है, कोई फ्रेंड है, किसी को जानते हैं, तो मतलब क्या है इसका कि अगर उनको कुछ भी नया लगे, जैसे कि कोई बैग हो या शूज हो या आपका हेयर स्टाइल हो, कुछ भी कलर डिफरेंट लगे, कुछ भी अच्छा लग रहा हो, उसको बोले, कॉम्प्लीमेंट करें, क्योंकि वो बहुत टाइम लगाते हैं मैच करने में, लड़कियाँ लव टू ड्रेस अप, तो उनको कॉम्प्लीमेंट करें, बहुत अच्छा लगेगा। अगर उस टाइम हिम्मत नहीं हो रही, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन नोट कर ले कि वो क्या था, क्या कलर था, और उसको बाद में कॉम्प्लीमेंट व्हाट्सएप पे कर दे, मैसेज पे कर दे, वो बहुत अच्छा लगेगा। अपने तरह थोड़ी है कि यार वो बेसिक टी शर्ट पहन ली, 15 दिन पुरानी डेनिम पहन ली, स्नीकर्स पहन के चले गए, सो अप्रिशिएट करें। कि एक हैबिट है जो टेक्सटिंग की हैबिट है, बहुत लोग गलत करते हैं, लेकिन कई लोग बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ऑन टाइम रिप्लाई करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। बट द बैड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, सबसे पहला, किसी से अगर आपको बात करने की कोशिश करनी है तो स्पैम नहीं करना, हाय 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 हाय, नहीं, सिर्फ एक बार हाय भेजा, अगर रिप्लाई आया तो रिप्लाई करिए। उसके बाद आपको ऐसे स्टार्ट नहीं करना, हाय हाउ आर यू से स्टार्ट करना, ऐसे नहीं कि ब्यूटीफुल क्वेश्चन मार्क, फ्रेंडशिप क्वेश्चन मार्क, सेंड न्यूड क्वेश्चन मार्क, वो सब नहीं करना आपको। आपको तरीके से फॉर्मली वाले बात करनी है, नहीं तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर रिप्लाई आ जाता है तो एकदम से उनको हाय आती, हेलो, ऐसे नहीं, थोड़ा सा गैप दीजिए, ये मत दिखाइए आप वेल नहीं है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी है, वो गैप रखना है, एंड देन टॉक। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डोंट रश, एकदम से भागिए मत कि एकदम से रिलेशनशिप में आ रहा है, मुझसे आगे बात करिए, क्योंकि ये इंडिया में रह रहे हैं, उसको पहले ट्रस्ट डेवलप कराइए कि आप एक अच्छे लड़के हैं या आप पे ट्रस्ट करा जा सकता है, एंड देन डू इट। इस पर पूरी वीडियो बन सकती है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए अगर आपको टेक्स्टिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो ये हमारी तरफ से थी 11 वो सेक्सी और अच्छी हैबिट्स जो लड़कियों को बहुत पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना मत भूलना, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।